जो है वो हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिस तरीके से वहां पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार कई ऐसे नाम हैं जो वहां से चुनाव मैदान में इस बार उतर रहे हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा मुकाबला किस तरह का होता है। बहरहाल, अब से कुछ महीने पहले तक जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे थे, आज वही एक दूसरे की रैली रोक रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जिस दीदी के साथ मिलकर राहुल गांधी मोदी विरोधी मोर्चा बना रहे थे और लोकतंत्र बचाने की हुंकार भर रहे थे, उसी दीदी ने राहुल गांधी को अपने घर में घुसने से ही रोक दिया। ममता सरकार से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में आज होने वाली राहुल गांधी की रैली को रद्द कर दिया है। ये लोग राहुल गांधी को मीटिंग का हेलीकॉप्टर परमिशन नहीं दिया, ये बहुत दुख की बात है। बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलते हैं, इट्स एन ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ दैट। वहीं कल ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट तीनों पर हमला बोला। साथ ही ये दावा भी किया कि तृणमूल कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। बीजेपी को कोई जगह में नहीं है और सीपीएम खाली केरला में कुछ है और हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, और कांग्रेस वो भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टेट में जिसमें उसका है उसमें उसको करने दो, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिधर में हम है स्ट्रांग, क्यों आप कांग्रेस को वोट देंगे? लेकिन हमारा मेन लड़ाई हमारा बंगाल में है। बंगाल में हम किसको नहीं छोड़ेंगे, बंगाल में हमारा जो लड़ाई है ये हमारा इंची से इंची लड़ाई है। ममता बनर्जी पीएम बनने के हसीन सपने देख रही है, इसलिए वो लगातार क्षेत्रीय दलों को एक करने की कोशिश भी कर रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस से उनका गठबंधन भी नहीं हो पाया है। और फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन तो कुछ और चुनावी खबरों का रुख करेंगे।